लिया था। फिर हाँ, मेरा बैंक मीन सिटी का पोस्ट ऑफिस बंथान मार्केट के आगे ही आप देख सकते हैं। प्रिंट आउट चाहिए तो वो फ्री में दे दिया है। कुछ मीन सिटी देखने के लिए बहुत टाइम 300 साल पुराना टेम्पल है। मंदिर के सामने आप इस टाइप की चिड़िया देख पाएंगे। मेन मंदिर तक चप्पल लेके आ सकते हैं। 300-300 साल पुरानी चारों दीवारों पे बुद्धा बुद्धा है। इसको बोला जाता है चाय लिटिल वन। देख सकते हैं पीछे मलेशिया मार्केट है। और हम जो बिल्डिंग मेरे को यहाँ घूमने के लिए लाए देखता हूँ। मैं इंडियन दिख रहे लेकिन अंदर वीडियो शूट करना मना था। जो रेन सूट है वो लगा के वाटर बस में हमें बैठना है। रिवर है मेरे पीछे है और ये पुराना यहीं से आता है। हेलीपैड का व्यवस्था भी है। 7 बजे पहला वाटर बोट है। मेरे को जो वियतनामी डोंग लेना था ये बस कंपनी है जहाँ पे मेरे को आना है। बस टिकट का सारा झंझट पूरा होने के बाद एक बियर खाने को लाया। मेरे से ज्यादा इसको ही इंडियन फूड खाना है। फूड का ऐसा मजा हम उठाएंगे। पंजाबी रेस्टोरेंट टेबल समोसा 70,000 यानी कि 200 रुपए का पड़ेगा। इतना बड़ा है। 10-15 मिनट से ये हम रेस्टोरेंट में मैं अभी खाना खाया। रेस्टोरेंट का एड्रेस मम्मी पापा के साथ तस्वीरें खींच के मेरे को अभी निकल पड़ना है मेरे हॉस्टल के लिए। क्योंकि हॉस्टल में जाके मेरे को थोड़ा रेस्ट भी करना है। लेकिन ये पानी भी नहीं सारा लेके जाना चाहता है। 10 पैकेट का ये उसने खरीद लिया है और ये मेरे साथ जाएगा अभी इंडिया के लिए। क्योंकि ऑन द वे हमने ऐसे ही 5 मिनट का स्टॉप लिया था। ये रहा मेरा बैग उसका गाड़ी और उसने वो पैकेट खरीद लिया। ये हमें फोड़ के दे रही है दूसरा एक अभी पैकेट में ले रहा हूँ। ये राज्य वो इसने खरीदा है मैं यही टेस्ट करूँगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हो ची मिन्ह सिटी का पोस्ट ऑफिस जो मेरे एकदम साइड लेफ्ट साइड में है। और ये रहा वो यीशु का चर्च। ये यहाँ का बहुत जाना माना मार्केट है बंथान मार्केट करके। और बंथान मार्केट के आगे ही आप देख सकते हैं मेट्रो का स्टेशन बनने जा रहा है। ज़बरदस्त वाला एलिवेशन हो रहा है हो ची मिन्ह सिटी में बंथान मार्केट। और लूसी ने दूसरी बार सेम आई वांटेड सम डाउन प्लेस मेबी यू हैव मेबी डाउन किंग वॉकिंग मेबी सेकंड थर्ड समथिंग बैठने वाला हूँ। ये बहुत ही ऊपर है इसलिए एक बार आप ऊपर नीचे हो गए तो आपको जाने का मन भी नहीं करेगा कहीं पे। इस टाइप का ही हॉस्टल है जिसमें मेरे को 573 डोंग देने पड़े हैं। फिर नीचे जाके बैठेंगे हम और सोचेंगे क्या क्या करना है कैसे कैसे। और लूसी ने मेरे को जो 09 रूम दिया है उसमें मैंने चेक इन किया है अभी। और नीचे जाके मैं बैठने वाला हूँ। ये बहुत ही ऊपर है इसलिए एक बार आप ऊपर नीचे हो गए तो आपको जाने का मन भी नहीं करेगा कहीं पे। इस टाइप का ही हॉस्टल है जिसमें मेरे को 573 डोंग देने पड़े हैं। फिर नीचे जाके बैठेंगे हम और सोचेंगे क्या क्या करना है कैसे कैसे। और लूसी ने मेरे को सियाम रिप में जाना है इसका जो प्रिंट आउट चाहिए था वो फ्री में दे दिया है।
दो पन्नों का ये प्रिंट आउट था, दूसरा पन्ना तो क्यों निकल गया पता नहीं। इसी का मैंने पैसा देना चाहा था लेकिन उसने लिया नहीं। अब ये दो घंटा हम रेस्ट करके निकल पड़ेंगे हो ची मिन्ह सिटी देखने के लिए भाई के साथ। भाई अभी बहुत टायर्ड हो चुका बहुत टायर्ड और हम अभी दोपहर के बाद जिस टेंपल को विजिट करने आए, ये 300 साल पुराना टेंपल है हो ची मिन्ह सिटी का, जो चाइनीज टेंपल है। और इसमें चाइनीज टेंपल फर्स्ट, यानी हो ची मिन्ह सिटी में फर्स्ट टेंपल इस वन इज This one is first temple. Were built by Chinese. Built by Chinese. So many Chinese gods. So many Chinese gods. Lord of the Yellow. And get hell. चाइनीज मंदिर के सामने आप इस टाइप की चिड़िया देख पाएंगे। और उनको वियतनामीज मंदिर में भी ऐसी चिड़िया होती है, आपको उसको लेना है और फ्रीडम करना है तब जाके आपको ये मिलेगा। और एक चिड़िया तो बाहर से आके यहाँ बैठ गई है तो उसको पैसा फ्रीडम मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, एक बाहर से आके बैठी है चिड़िया, अपने दोस्त लोगों का इंतज़ार कर रही है वहाँ पे। और एक दूसरे टेंपल को लेके आया ये चाइनीज़ मंदिर। इस टाइप के मंदिर मैंने बहुत सारे देखे हैं सिंगापुर में, चाइना में, मलेशिया में। इनके मंदिर में एक दूसरी अपने से डिफरेंट बात हो ये होती है कि आप मेन मंदिर तक चप्पल लेके आ सकते हैं, और शायद ये छोड़ने वाला कोई दूसरा ही होगा क्योंकि हमारे मंदिर में तो चप्पलें चलती नहीं, यहाँ टोपी भी नहीं चलती है। एक कमांडर का मंदिर है इनके, देख सकते हैं इनकी 300 साल पुरानी जो परंपराएं हैं चाइना में। एक डिफरेंट टाइप के मंदिर देखने का मौका मेरे को मिला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आने पे ऐसा कुछ किया जाता है, पता नहीं क्या करते हो, वार्मनेस लेते हैं। एंसेंट ऑफ मैजिस्टी, यस, जस्ट मेक द फोटो यार। और एक घंटे से बारिश में हम जो भीगे थे उधर पे, थोड़ा सा रुक के इधर आ गए तो ताई का जो चल रहा था, मेरे को दिखाना है कुछ इस टाइप से 1000 बुद्धा का मंदिर आप देख सकते हैं। ये एक है ऐसा 1000 बुद्धा का मंदिर में बिठाया गया है, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल मंदिर है। जितना भी बुद्धा आप देख सकते हैं एक ही सामान का बुद्धा यहाँ पे लगाया गया है, पूरी चारों दीवारों पे यही बुद्धा ही है। जिस टाइप का चाय पिला रहा है भाई, मेरे को तो देख के डर लग रहा है। आप देख सकते हैं इसको बोला जाता है चाय, और इसमें से उन्होंने निकाला है सारा गरम चाय। इतना ही लेके मैंने ट्राई कर रहा हूँ, कैसा लगता है पता नहीं क्या है, मे बी आई डोंट नो। चॉकलेट इसको एक्चुअल में कहा जाता है सी सैम सूप, पता नहीं क्या है लेकिन एकदम कड़वा और चॉकलेट जैसा लग रहा है ये। और ये दाना टियांग ची जुआंग ऐसा। और भाई मेरे को जिस बिल्डिंग में लेके आए हैं शायद वहाँ एलिवेटर फ्री होने के कारण इसको लगता है कि मेरे को ऊपर से सिटी का नज़ारा दिखाया जाए। अभी फ्री में हम वो देखने की कोशिश करेंगे, उनका एलिवेटर फ्री है ऊपर जाने के लिए। और ये मेरे को सिटी दिखाने के लिए 14वें माले पे लेके जा रहा है। अभी देख सकते हैं 7, 8, 5 ऐसा ही कुछ हो रहा है।
11 पे आ गए हम, 14 पे आ गए और यहाँ से हम फ्री में देख सकेंगे हो ची मिन्ह सिटी का नज़ारा। आप देख सकते हैं और जिस व्यू पॉइंट पे ताई ने मेरे को लाया था, ये नॉर्थ सेक्शन है सिटी का। ये आप देख सकते हैं टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, द बिल्डिंग नेम लैंडमार्क बिल्डिंग है, लैंडमार्क आईटी बिल्डिंग है और ये नॉर्थ में है। ये पड़ेगा पूरब को पड़ेगा आपको सी और इस साइड को पड़ेगा आपको एयरपोर्ट जो है बराबर वेस्ट साइड में है सिटी के। तो ये बीचों बीच बना हुआ जो बिल्डिंग है, यहाँ से हम फ्री में सिटी का व्यू ले रहे हैं आपके लिए। और दूसरी जगह से भी आप देख सकते हैं सिटी का नज़ारा। सिटी एकदम डेंस है, ज़्यादा डेंस सिटी है और यहाँ जो रहने वाले घर हैं अपना भिवंडी मुंबई का जैसा ही उनका सारा काम है, क्योंकि इनके पास अगर व्हीकल होंगे तो लेके ही नहीं जा पाएंगे अंदर, क्योंकि उसमें जो करना चाहिए उन्होंने वो किया ही नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कितना क्राउडेड प्लेस बना हुआ है ये सारा। और ये रहा मेरे पीछे मलेशिया मार्केट और हम जो बिल्डिंग थोड़ी देर पहले देख रहे थे ये यही बिल्डिंग है जहाँ से दिख रही थी। और शायद ताई ने मेरे को यहाँ घूमने के लिए लाया इस मलेशिया मार्केट। I'm waiting for you on the another way. Another way. I just coming okay, from there. Yes. Okay. With helmet? Your head. Oh, okay. Okay, I don't. अब मेरे को सिर्फ यहाँ से वहाँ तक जाना है। देखता हूँ मैं, यहाँ भी बहुत सारे इंडियन दिख रहे हैं। ये आधे से ज़्यादा तो मोबाइल मार्केट ही लग रहा है, तो कपड़ा मार्केट है और 50% से ज़्यादा लेडीज़ मार्केट है, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम वहाँ कुछ रुकना नहीं था, मेरे को देखना इतना ही थे। अभी हम एक हिंदू मंदिर में जाके आए थे, वहाँ गणपति की मूर्तियाँ सारी लगी थी, लेकिन अंदर वीडियो शूट करना मना था इसलिए मैं नहीं कर सका अंदर, क्योंकि नो कैमरा दिखा था। अभी हम सेंटर में पहुँच गए हो ची मिन्ह सिटी के। ये है हो ची मिन्ह सिटी साइगांव का एक्चुअल सेंटर जिसको बोला जाता है वो, और आजू बाजू जो दिनमर्रा के काम में लोग पड़े हैं, जैसे कोई गाड़ी पे जा रहा है अपना अलग टाइप का जो रेन सूट है वो लगा के, और सारी दुनिया भी व्यस्त है घर जाने में क्योंकि आज है सोमवार। और हम अभी जा रहे थे नदी पे, कहीं वो वाटर बोट या वाटर बस में हमें बैठना है, तो ताई मेरे को लेके जा रहा है वो वाटर बस में, तो हम देखेंगे उधर जाके कि वाटर बस का एक्सपीरियंस हमें कैसा होगा। और यहाँ से सेंट्रल से साइगांव का जो रिवर है मेरे पीछे है, और ये पुराना सबसे ज़बरदस्त वाला जो व्यू है हो ची मिन्ह सिटी में, तो यहीं से आता है। आपको अगर हो ची मिन्ह सिटी देखनी है, आईटी सेंटर सारे हब भी है वो सेंटर में है, तो ये जगह आपके लिए बहुत। और सेंट्रल से हम डायरेक्ट पहुँचे थे, यहाँ से वाटर बस चलता है एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। आप देख सकते हैं होटल पे हेलीपैड का व्यवस्था भी है। इज द हेलीपैड? यस इज द हेलीपैड। हेलीपैड यस। हेलीकॉप्टर इज गोइंग ऑन डाउन। यस हेलीकॉप्टर। और ये टनल, यहाँ से 7 बजे पहला वाटर बोट है जो हमें दिखाएगा हो ची मिन्ह सिटी। और यहाँ आने तक हमने हिंदू मंदिर के बाद एक राइड ली थी, उसका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और यहाँ बहुत ट्रिकी है रोड को क्रॉस करना, क्योंकि जिस नदी से हम वापस आ गए हैं, यहाँ से हमारा प्लान ऐसे बना है अभी कि मैं सीएम रिप जाने वाला जो पोम्पी जाने वाला टिकट लेना चाहता हूँ बस का, और मेरे पास अभी जितना कैश था वो सारा ख़त्म हो चुका है। वहाँ जाके मेरे को एक तो कैश देना पड़ेगा या कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, और दूसरी एक चीज़ है कि शायद हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अभी आज, और कल मेरा पूरा आराम रहेगा यहाँ, क्योंकि जितना एक्सप्लोर यहाँ मैंने आके किया था ये मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि अगला भी मेरे को सोचना है अभी। तो हम अभी पहुँचेंगे अपने गाड़ी के यहाँ जहाँ हिंदू मंदिर के साइड में हमने गाड़ी लगाया था, और उसके बाद जाएंगे
पोम्पे के लिए टिकट लेना है हमें, और यहाँ आने पे वो गड़बड़ हुआ है कि उन्होंने डायरेक्ट टिकट मेरे को अलाउ नहीं किया था, उन्होंने $10 कुछ तो मेरे से ले लिया है। मेरे को जो वियतनामी डोंग लेना था, तो वियतनामी डोंग मेरे पास न होने के कारण 10-10 का सारा नोट उसने मेरे को थमवाया है। मैंने उसको $100 का नोट दिया था, और ये बस कंपनी है जहाँ पे मेरे को आना है, उन्होंने जो बोला कि आपको गेट तक ही बस टिकट दिया जाएगा, ये 2.4 कुछ तो 240 $10 जितना कितना होता है, $10 का कीमत, ये 900 रुपये का समथिंग टिकट दिया है 3 घंटे का। तो आगे जाके भी मेरे को टिकट लेना पड़ेगा ये पोम्पी तक का। तो ये मैंने वीज़ा दिखाने के बाद भी ये सारे मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ में था कि मैं ये लूँ या न लूँ। मैंने इंडिया का एक फ्रेंड था, उसका भी राय लिया था, तो ये बोला आप आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, तो अगर प्रॉब्लम आ गया तो मैं आपको फ़ोन करो मेरे को। तो इसलिए मैंने टिकट लेके जा, और ये बस टिकट का सारा झंझट पूरा होने के बाद हम अभी जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। तो उससे पहले हमें लेना है एक एक बियर, और इस रेस्टोरेंट में भाई ने खाने को लाया है बनाना लीफ इंडियन रेस्टोरेंट का क्या एड्रेस 46/4 हॉन्ग थाई टी बिन था क्यू, और ये सारा नंबर लिखा है। देखते हैं अंदर क्या मिलने वाला है। दे हैव बियर, नो बियर, बियर व्हाट इज बियर, बियर बियर दे हैव बियर। और हम पहुँचे अभी दूसरे रेस्टोरेंट पे, मेरे से ज़्यादा इसको ही इंडियन फूड खाना है। मैं उसको कितनी देर से समझा रहा था कि इंडियन फूड बहुत महंगा होता है, लेकिन ये सुन नहीं रहा। वो ड्रिंक करने के लिए थोड़ा बस बहुत कुछ लेके आए हैं, अभी ये स्ट्रीट फूड का ऐसा मज़ा हम उठाएंगे। अभी वो भी ढूंढ रहा है कि ये इंडियन रेस्टोरेंट है कहाँ। और जो स्ट्रीट फूड का ऐसा आनंद है वो आप देख सकते हैं, लकड़ी का सारा बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं। और 100% यहाँ फूड प्राइजेस बहुत ज़्यादा होंगे। वही सारे से लास्ट में ये पंजाबी इंडियन रेस्टोरेंट है। That why I saw a lot of Indian. Lot of Indian. Okay. Car over there. Indian पंजाबी देखते हैं यहाँ का भी कितना होने वाला है रेट लिस्ट। पंजाबी रेस्टोरेंट है होचुमिन सिटी का, पापड़म 30,000, पापड़म मसाला ओनियन वो सारा है, सिर्फ वेजिटेबल समोसा 70,000 यानी कि ये 200 रुपये का पड़ेगा, चिकन समोसा ये सारा है, फ्राइड राइस 1,00,000 का यानी 350 रुपये का फ्राइड राइस, पनीर मंचूरियन, चिकन 65, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन। इंडी मसाला 350 रुपये, चिकन करी 350 रुपये, चिकन मसाला, कोरमा ये सारी है चीज़ें, बोना चिकन, मटन करी 500 रुपये, 90,000 की 350 रुपये की एग्स करी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बिरयानी हमें तो चाहिए नहीं, फिश बिरयानी भी नहीं चाहिए, श्रिंप एग्स बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी सारे 350 रुपये चीज़। भाई ने जो मटन मेरे को खिलवाया घर वाला बोल, उनके साथ मोर चेयर करके एक बटर नान जितना दिया है हमें, प्लेन रोटी इतना बड़ा है कि 10-15 मिनट से ये हम ख़त्म नहीं हो रहे। ज़बरदस्त वाला रोटी है बड़ा। और जिस रेस्टोरेंट में मैंने अभी खाना खाया, इस रेस्टोरेंट का ए एड्रेस है, और ए इनका बाहर का पंजाबी रेस्टोरेंट करके है, कोई बीवीन स्ट्रीट वार्ड पैनल डिस्ट्रिक्ट ये समथिंग, आप उसको सर्च कर लेना, क्योंकि ताई ने मेरे को स्पेशली यहाँ पे लाया था। आज दिन भर का जितना भी मेरा व्लॉग था, ये आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ताई ने मेरे लिए
पूरा दिन निकला था और लास्ट में मैंने उसको बुन खाना था मेरे को, लेकिन वो मेरे को खाने को लेके आया इंडियन रेस्टोरेंट पे। तो यहीं तक आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।